चैनल, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हमने क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 शुरू किया हुआ है। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लास्ट वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं। अगर तक आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये आप वहां से देख सकते हो। तो सेकेंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारे पास है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हमें इक्वेशंस दी है, उनके हमें रूट्स फाइंड करने हैं और जो वे मेथड होगा फाइंड आउट करने का वो होना चाहिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करके हमें रूट्स निकालने हैं। सेम क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 में भी सेम यही इक्वेशन थे, उसके रूट्स फाइंड आउट किए थे हमने, लेकिन उस टाइम हमने जो मेथड लगाया था वो लगाया था कंप्लीटिंग द स्क्वेयर मेथड। स्क्वेयर मेथड को कंप्लीट करने वाला मेथड हमने वहां पे लगाया था, लेकिन इसमें हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूले के बारे में बता दूं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है कि जो रूट्स होते हैं, रूट्स ऑफ ए इक्वेशन आर इक्वल होते हैं हमारे माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाय 2a। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाय 2a। अब ये बी ए है क्या चीज, हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो मोस्टली फॉर्म इस फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। आपको ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो याद करके रखनी है। अगर ये हमारे पास कोई जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके रूट्स जो होंगे वो होंगे माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे रूट्स होंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कि इस फॉर्म में है, ए स्क्वेयर ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये एक जनरल एक्सप्रेशन है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ए जो होता है वो एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट होता है, एक्स स्क्वेयर के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको हम ए बोलते हैं। जो बी होता है वो एक्स का कोफिशियंट होता है, जो सिंपल एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको हम बी बोलते हैं, और जो सी होता है वो कॉन्स्टेंट वाली टर्म होती है। जैसे यहाँ पे अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो एक्स स्क्वेयर के साथ जो लिखा होगा वो ए है, एक्स के साथ जो लिखा हुआ है वो बी है, और जो कॉन्स्टेंट टर्म है जिसके साथ कोई एक्स की वैल्यू नहीं है वो हमारा सी होगा। तो ए पता लग गया, बी पता लग गया, अब सी डी क्या है, डी होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। डी को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, और इसका फाइंड आउट फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है, जो डी होता है वो इक्वल टू होता है बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी। डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी। इस डी की वैल्यू होती है बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी। तो पहले आपको डी निकालना है, डी की वैल्यू फिर हम यहां पे पुट करेंगे तो हमारा जो होता है वो रूट्स फाइंड आउट हो जाएंगे। अगर हम इसको वैल्यू यहाँ पे रख के करें तो रूट्स का फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है, रूट्स इज इक्वल टू होगा माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव रूट ऑफ डी। डी की जगह पे अगर हम इसकी पूरी की वैल्यू रख देंगे बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय 2a। तो हमारे पास बेसिकली ये फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं। मेन तो हमारा यही फॉर्मूला है, बी माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाय 2a। और डी क्या है, डी इसमें डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी। अगर आप डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे तो हमारा यही फॉर्मूला बन जाएगा, माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय 2a। अब डिस्क्रिमिनेंट का क्या है, डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू अगर तो हमारे पास जीरो से बड़ी आ जाए या जीरो के इक्वल आ जाए, डी की वैल्यू अगर जीरो के इक्वल हो या जीरो से बड़ी हो, डी की वैल्यू या तो जीरो हो या जीरो से बड़ी हो तो हमारे रूट्स जो होते हैं वो पॉसिबल होते हैं, रूट्स आर पॉसिबल। कब पॉसिबल होंगे, जब डी की वैल्यू या तो जीरो आ जाए या जीरो से बड़ी आ जाए। मींस कि हम ये कहना चाहते हैं डी की वैल्यू अगर तो पॉजिटिव आ रही है तो रूट्स पॉसिबल होंगे, अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाए मींस कि अगर डी की वैल्यू छोटी हो जाए जीरो से, इट मींस डी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ जाए, तो इन केसेस में जो रूट्स होंगे वो पॉसिबल नहीं होते हैं, नॉट पॉसिबल। इस कंडीशन में हम किसी भी इक्वेशन के रूट नहीं निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट नहीं निकलते हैं इस केस में, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाए या फिर जीरो से छोटी आ जाए। माइनस में अगर कोई भी डी की वैल्यू आती है तो उसके रूट्स पॉसिबल नहीं होते हैं। तो आपको बस ये बातें ध्यान रखनी है, रूट निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाय 2a।
ए क्या होता है, ए होता है हमारा एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट, बी होता है हमारा एक्स का कोफिशियंट, और जो सी होता है वो हमारी कॉन्स्टेंट टर्म होती है। तो डी का फॉर्मूला होता है हमारे पास बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी। डी अगर जीरो से बड़ा है या जीरो के बराबर है तो रूट्स पॉसिबल होते हैं। अगर डी की वैल्यू माइनस में है या फिर जीरो से छोटी है तो रूट्स पॉसिबल नहीं होते। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को करना। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हम अगर हम इसे कंपेयर करें हमारी जर्नल इक्वेशन के साथ एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो एक्स के स्क्वेयर के साथ ए की जगह पे क्या लिखा हुआ है, टू, तो ए की वैल्यू क्या होगी, टू। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की जगह पे क्या लिखा हुआ देखा जाए तो आपको लगेगा कि सिर्फ सेवन लिखा हुआ है, बी की जगह पे सेवन, बट नहीं, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो बी की वैल्यू माइनस का सेवन होगी, ठीक है। और सी की जगह पे थ्री लिखा हुआ है तो सी की वैल्यू क्या होगी, थ्री होगी। तो सबसे पहले अब हम क्या निकाल लेते हैं, अब डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, डी निकाल लेते हैं। डी क्या आ जाएगा, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी। बी कितना है, माइनस सेवन, तो माइनस सेवन का स्क्वेयर माइनस फोर, ए की वैल्यू कितनी है, टू, सी की वैल्यू कितनी है, थ्री। सेवन का स्क्वेयर करेंगे, सेवन सेवन जा 49, माइनस थ्री को टू से मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स आ जाएगा, सिक्स को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्स फोर जा 24। अब माइनस कर दो आप, 49 में से 24 माइनस करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 और 4 में से 2 25, तो D की वैल्यू कितनी आएगी, D की वैल्यू आ गई हमारे पास 25। अब D की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो रूट्स निकाल लेते हैं, तो रूट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, रूट्स हमारे हो जाएंगे माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाय 2a। तो B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू है हमारे पास माइनस का सेवन, साथ में ये वाला माइनस भी लगाना है क्योंकि बी की वैल्यू ही माइनस सेवन थी हमारे पास, तो माइनस सेवन रखा, साथ में ये वाला माइनस लगाया, पॉजिटिव नेगेटिव, डी की वैल्यू कितनी है 25 डिवाइडेड बाय 2, ए की वैल्यू कितनी है 2। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, प्लस का सेवन हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या हो गया 25 का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 का रूट जो होता है वो 5 होता है हमारे पास, 4 2 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। अब रूट्स क्या होंगे, एक बार 7 और 5 को प्लस करना है और एक बार 7 और 5 को माइनस करना है, तो रूट्स क्या हो जाएंगे, एक बार करेंगे 7 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4 और एक बार करेंगे 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाय, ये प्लस माइनस का मतलब होता है एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है। तो जब हम प्लस करेंगे, सेवन प्लस फाइव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12/4 विच मीन्स 3, और जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2/4 विच मीन्स की 1/2। तो रूट्स क्या हो गए हमारे, रूट्स हो गए हमारे 3 एंड 1/2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना है इसमें, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और उसके बाद सिंपल जस्ट सोल्व करना उसको। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 2x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू जीरो। 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू जीरो। तो इसको हम कंपेयर कर लेते हैं ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के साथ, ए की जगह पे क्या लिखा हुआ है, टू, तो ए की वैल्यू हो जाएगी टू। बी की जगह पे क्या लिखा हुआ है, बी की जगह पे लिखा हुआ है माइनस का वन, क्योंकि एक्स के साथ कुछ नहीं है तो मीन्स कि यहाँ पे वन लिखा हुआ, और प्लस का साइन नहीं है, यहाँ पे माइनस का साइन है, इसलिए हमारा माइनस वन हो जाएगा बी। बी की वैल्यू होगी माइनस वन, सी की जगह पे क्या लिखा हुआ है, फोर, सी इक्वल टू हो गया फोर। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी। तो बी कितना है, माइनस वन, माइनस वन का स्क्वेयर करेंगे तो वन आ जाएगा, माइनस फोर टू जा एट, एट एट फोर जा 32, तो ये बन जाएगा हमारे पास 32। डी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 31, तो डी की वैल्यू हमारे पास माइनस में आ गई है, मींस कि वो जीरो से छोटी है, इसलिए इसके रूट्स पॉसिबल नहीं होंगे, रूट्स आर नॉट पॉसिबल।
लेकिन अगर हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें यहाँ पे प्लस का साइन लिखा हुआ और यहाँ पे माइनस का साइन लिखा हुआ, तो जिसके कारण इसके रूट्स पॉसिबल हो जाएंगे। ऐसे दो क्वेश्चन थे हमारे पास जिसमें एक में प्लस का साइन आना था और एक में माइनस का साइन आना था। तो अगर हम यहाँ पे जो हमारी बुक है, बुक में यहाँ पे माइनस का साइन लिखा है, यहाँ पे प्लस का साइन है, लेकिन जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका जो सेकंड पार्ट था उसमें यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, जिसके कारण वहां पे रूट्स पॉसिबल थे। तो जैसे कि हमारी ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसके रूट्स पॉसिबल नहीं होंगे, क्योंकि हमारा डी का जो डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू वो माइनस में आ रही है, तो रूट्स पॉसिबल नहीं होंगे। अगर हम इसे ऐसे करें जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, इसका अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 2x² + x - 4 = 0। ये दो क्वेश्चन है हमारे पास, एक में यहाँ पे माइनस का साइन है और एक में यहाँ पे माइनस का साइन है। तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं हमारे पास, तो इसमें ए की वैल्यू 2 आ जाएगी, बी की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी और सी की वैल्यू आ जाएगी -4, क्योंकि सी की जगह पे जो है वो माइनस का 4 लिखा हुआ है। तो अब अगर यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डी की वैल्यू अगर हम निकालते हैं, तो वो हो जाएगी B² - 4AC। बी कितना है 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा, -4A की वैल्यू 2, सी की वैल्यू -4, तो ये हो जाएगी 1 - 4 2 8, 8 4 32, -, तो यहाँ पे प्लस का 32 आ जाएगा, विच मीन सी हो जाएगा 33। डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई है, इसीलिए इसके रूट्स पॉसिबल होंगे। तो रूट्स निकाल लेंगे, तो रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स होंगे हमारे पास -B (positive, negative) √D/2A। तो बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है हमारे पास 1, तो ये हो जाएगी -1, ये वाला माइनस लगा के आगे, पॉजिटिव नेगेटिव, √D की वैल्यू कितनी है 33/2, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है हमारे पास 2, तो ये हो जाएगा -1 पॉजिटिव नेगेटिव √33/4। तो रूट्स क्या आ गए हमारे पास, एक बार प्लस का साइन आ जाएगा 1 + √33/4 और एक बार माइनस का साइन आ जाएगा, तो ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस के बीच का डिफरेंस पता लगा। ये दो क्वेश्चंस थे, नंबरिंग भले चेंज हो सकती है, यहाँ पे फोर्थ हो सकता है और ये वाला सेकंड हो सकता है, आप बुक में चेक कर लेना। तो अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो रूट्स पॉसिबल नहीं होंगे, और अगर 4 के साथ माइनस का साइन है तो रूट्स पॉसिबल होंगे हमारे। तो शुरू करते हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इफ यहाँ पे एक्स है, x - 1/x = 3, और एक्स जो है वो, एक्स की वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो सकती, वो हमें कंडीशन में गिवन है। तो हमें रूट्स फाइंड आउट करने, हमें कोई मेथड नहीं बोला हुआ है कि किस मेथड से करने, तो हम अपनी मर्जी से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। आपको जो भी मेथड आसानी लगे, स्क्वेयर मेथड से कर सकते हो या फिर आप अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करके कर सकते हो, आपको जो भी मेथड आसान लगता है आप उससे कर सकते हो। तो शुरू करते हैं, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी फॉर्म a² + bx + c = 0 की फॉर्म होती है, लेकिन यहाँ पे कोई भी स्क्वेयर वाली टर्म ही नहीं है, एक्स स्क्वेयर कोई है ही नहीं है। तो हमें पहले इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, एक्स, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स का स्क्वेयर -1 एज इट इज आ जाएगा = 0। ये एक्स उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, तो ये हो जाएगा हमारे पास x² - 1 = 3x। अब 3x को इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा x² - 3x, इधर प्लस का था तो इधर आके माइनस हो गया, ये -1 एज इट इज इक्वल टू 0। अब अगर हम कंपेयर करें तो इस फॉर्म में चला गया, ax² + bx + c की फॉर्म में आ गई अब ये इक्वेशन। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें बस इसके रूट्स निकालने हैं। तो हम क्या करते हैं, हम डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड ही लगाते हैं। उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इसे कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -3, सी की वैल्यू आ जाएगी -1। अगर आपको ये कंपेयर करना नहीं आता तो मेरी लास्ट वीडियो देखिए, उसमें मैंने अच्छे से बताया ये आपको। तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स का फॉर्मूला होगा हमारे पास -B (positive, negative) √
बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, तो बस वैल्यूज पुट कर देते हैं, b की जगह पे माइनस 3 और ये वाला बाहर जो माइनस है वो भी लगेगा, प्लस माइनस डिवाइडेड बाय b का स्क्वेयर मीन्स कि 3 का स्क्वेयर करेंगे तो 9 आ जाएगा, माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है माइनस का 1, तो ये हो गया डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू कितनी है 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस का 3, पॉजिटिव नेगेटिव रूट ऑफ 9 एज इट इज आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 4, यहाँ पे 1 ही है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 आ गया डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया हमारे पास 3 पॉजिटिव नेगेटिव, 9 को 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 13, रूट 13 बाय 2, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा, जो हमारे रूट्स हो गए वो हो गया हमारे रूट्स हो गया हमारे 3 प्लस रूट 13 बाय 2 और 3 माइनस रूट 13 बाय 2। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है हमारे पास, 1 ओवर एक्स प्लस 4 माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 7 इक्वल टू 11 बाय 13। तो सबसे पहला स्टेप हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, वो हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस 7, बीच में माइनस का साइन, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 11 बाय 13। तो ये हो गया एक्स माइनस 7, माइनस का साइन बाहर है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स का स्क्वायर, एक्स को माइनस 7 के साथ किया तो माइनस 7x, प्लस 4 को एक्स के साथ किया तो प्लस 4x, प्लस 4 को माइनस 7 के साथ किया तो माइनस 28 इक्वल टू 11 बाय 30। ये प्लस का एक्स ये माइनस का एक्स कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 4 माइनस का 11 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर, ये हो गया हमारे पास माइनस प्लस माइनस, तो माइनस करेंगे तो 3x आ जाएगा माइनस का 28 इज इक्वल टू 11 बाय 30। तो अब ये 11 के साथ 11 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 30 इधर आके माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई होके सेम एज इट इज टर्म आ जाएगी हमारे पास। तो अब ये यहाँ माइनस का 30 है तो उधर जाके ये प्लस का 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस का 28 प्लस का 30 इक्वल टू 0, ये माइनस 30 इधर आके प्लस का 30 हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 30 में से 28 माइनस करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो a की वैल्यू आई है 1, बी की जगह पे लिखा हुआ है माइनस 3 और सी की जगह पे लिखा हुआ है 2, तो रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। रूट्स का फॉर्मूला है हमारे पास, रूट्स इक्वल टू होता है माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, तो बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, तो बी की जगह पे पुट कर देते हैं माइनस 3, साथ में ये वाला माइनस पॉजिटिव नेगेटिव रूट ऑफ बी का स्क्वेयर मीन्स की 3 का स्क्वेयर करेंगे तो 4 सॉरी 3 का स्क्वेयर 9 माइनस 4 इंटू ए की जगह पे 1 सी की जगह पे 2 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया हमारे पास माइनस माइनस प्लस 3 आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव रूट ऑफ 9, ये हो गया 4 वन जा 4 4 टू जा 8, 9 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, तो 1 का रूट तो 1 ही होता है, ये हो गया हमारे पास 3 पॉजिटिव नेगेटिव 1 बाय 2। तो रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स हो गए हमारे पास, पहले इसको ऐड करेंगे 3 प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 बाय 2 मीन्स कि 2 आ गया, फिर इसे माइनस करेंगे 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, 3 में से 2 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा 2 बाय 2 1, तो रूट्स क्या आ गए हमारे पास, रूट्स आ गए हमारे पास 2 एंड 1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ इज 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। हमें बोला सम क्वेश्चन में कि एक रहमान है, उसकी एज आज की एज से 3 साल पहले और आज से 5 साल बाद जो एज होगी उनकी रेसिप्रोकल्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 1/3 आता है। हमें उसकी प्रेजेंट एज बतानी है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रेजेंट एज को सपोज कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज बी एक्स। हम प्रेजेंट एज को एक्स मान लेते हैं, तो 3 साल पहले क्या हो जाएगी, देन एज ऑफ रहमान 3 ईयर्स एगो, 3 साल पहले क्या हो जाएगी, जितनी आज है उससे 3 माइनस कर देंगे, एक्स माइनस 3। अगर आपकी आज 15 साल एज है तो 3 साल पहले कितनी रही होगी, 15 में से 3 माइनस करके 12 साल रही होगी 3 साल पहले आपकी एज। तो भाई यहाँ पे लिखा कि अगर आज x है तो 3 साल पहले x माइनस 3 होगी और 5 साल बाद कितनी रही होगी, 5 ईयर्स आफ्टर ये कितनी रही होगी, अगर आज आपकी 15 है तो 5 साल बाद कितनी होगी, 15 × 5 + 20, तो 5 ऐड करने पड़ेंगे। तो हमें क्या किया, 5 + x + 5, तो प्रेजेंट एज x थी उसमें 5 ऐड कर देंगे तो हमारे पास 5 ईयर्स आफ्टर की एज आ जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोल रहे हैं रेसिप्रोकल, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द रहमान्स एज 3 ईयर्स एगो, 3 साल पहले उसकी एज कितनी थी, एक्स माइनस 3। तो इसका रेसिप्रोकल करना है मीन्स की 1/x - 3, सम करना है तो एड करना है, और 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ 5 साल बाद कितनी है, एक्स प्लस 5, तो 1/x + 5 हो गया। 1/ इसलिए कि क्योंकि रेसिप्रोकल बोला हुआ था, ये कितनी है, ये इक्वल टू है 1/3 के, 1/3 के। तो बस अब हम इफ एज इट इज सेम बन गया, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा, इसको हम एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा x माइनस 3 एक्स प्लस 5, यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक्स प्लस 5, यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस 3। इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 5 आ गया, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो x माइनस 3 आ गया, इज इक्वल टू हमारे पास 1/3। अब क्या करना है, अब x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 5 + 5 - 3, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा प्लस का, डिवाइडेड बाय x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x का स्क्वायर, x को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5x आ जाएगा, माइनस 3 को x के साथ करेंगे तो माइनस का 3x आ जाएगा, माइनस 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा, इक्वल टू 1/3। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे पूरी के साथ, 3 को 2x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू में इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 के साथ करके तो पूरा एज इट इज ही आ जाएगा हमारे पास ये वाली टर्म। तो ये क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 माइनस करेंगे हमारे पास बच जाएगा 2x - 15। अब इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 × 6x + 3 × 6 इज इक्वल टू x² + 2x - 15। अब सारी टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं, x² + 2x - 15, ये इधर प्लस किया तो इधर आके माइनस की हो जाएगी, ये भी प्लस किया तो ये भी माइनस की हो जाएगी, तो ये हो गया x² + 2 - 6 + -6, में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4, साइन आएगा माइनस का क्योंकि बड़ी टर्म है माइनस की, माइनस का 4x, माइनस माइनस प्लस 15 और जो 6, 15 में 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा माइनस का 21 = 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसके अकॉर्डिंग a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई -4 और c की वैल्यू आ गई -21। अब रूट्स निकाल लेते हैं हम इसके,
तो रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? रूट्स निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय टू ए। तो बी की वैल्यू कितनी है? माइनस फोर, साथ में ये वाला माइनस पॉजिटिव नेगेटिव रूट ऑफ बी का स्क्वेयर, फोर का स्क्वेयर करेंगे 16, माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू माइनस 21 डिवाइडेड बाय 2। ए की वैल्यू तो 1 ही है तो 1 से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव नेगेटिव रूट ऑफ हो गया 16, माइनस माइनस प्लस 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 4, 84 आ गया डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस पॉजिटिव नेगेटिव रूट ऑफ 16 में 84 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100, 100 बाय 2, ये हो गया 4 पॉजिटिव नेगेटिव रूट 100 का रूट करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा बाय 2, ये हो गए हमारे रूट्स। मीन्स की एक वैल्यू हमारे पास आएगी 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 करके विच मीन्स 14 बाय 2 विच मीन्स 7 ईयर्स, और दूसरी वैल्यू आएगी हमारे पास 4 माइनस 10 करके विच मीन्स की माइनस 6 बाय 2 विच मीन्स माइनस 3। अब किसी भी व्यक्ति किसी भी आदमी की जो एज है वो माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए इस वैल्यू को हम नेगलेक्ट करेंगे, हमारा आंसर जो आ जाएगा वो 7 ईयर्स ही आएगा हमारा आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इन अ क्लास टेस्ट सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, फाइंड द मार्क्स। हमें कहा है कि एक शेफाली है, उसके जो क्लास टेस्ट में मैथ्स और इंग्लिश में मार्क्स आए उनका जो सम है वो 30 है। अगर उसे मैथ में दो नंबर ज्यादा मिले होते और इंग्लिश में 3 नंबर कम मिले होते तो जो मार्क्स का प्रोडक्ट होता वो 210 होता। हमें मार्क्स बताने हैं कि कितने होंगे, तो हम सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं कि लेट मार्क्स इन मैथ्स बी एक्स। हम मान लेते हैं कि मैथ्स में उसे एक्स मिले, तो इंग्लिश में कितने मिले होंगे? अगर दोनों में मिला के 30 मिले हैं और एक में अगर एक्स मिले तो दूसरे में 30 माइनस एक्स मिले होंगे, तो इंग्लिश में मिले होंगे उसे 30 माइनस एक्स मार्क्स जो से इंग्लिश में मिले होंगे। ये कैसे लिखा? क्योंकि हमें टोटल 30 दिए हुए थे कि इंग्लिश और मैथ्स में मिला के 30 नंबर मिले, हमने मैथ्स में मान लिया कि एक्स मिले हैं, तो इंग्लिश में कितने मिले होंगे? जितने मैथ्स के माइनस करके आएंगे, तो 30 में से मैथ्स को माइनस कर दिया तो मेरे पास इंग्लिश के मार्क्स आ गए। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहे हैं कि अगर मैथ्स में दो नंबर ज्यादा होते, मीन्स कि अगर मैथ्स में पहले एक्स थे, इससे दो नंबर ज्यादा होते तो उनका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट मीन्स की मल्टीप्लाई करनी है हमें प्रोडक्ट किसका, और अगर इंग्लिश में 3 नंबर कम मिले होते, इंग्लिश में 3 नंबर कम, इंग्लिश में मिले थे इतने 30 माइनस एक्स मिले थे, इसमें से 3 नंबर अगर कम मिले होते माइनस 3 मिले होते तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आना चाहिए 210। तो अब हमें मार्क्स की वैल्यू निकालनी, तो सॉल्व कर लेते हैं बस इसे सिंपली। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 2 इंटू 30 में से 3 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210। अब एक्स को 27 के साथ मल्टीप्लाई करो, एक्स को 27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 एक्स आ जाएगा, एक्स को माइनस एक्स के साथ करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वेयर, 2 को 27 के साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 54, 2 को माइनस एक्स के साथ करेंगे तो माइनस का 2x इज इक्वल टू 210। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो गया प्लस माइनस, 25 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास, सॉरी 27 में से 2 माइनस करेंगे तो प्लस का 25x प्लस का 54 इज इक्वल टू 210।
अब क्या करते हैं, इसको सारे को इधर ले जाते हैं क्योंकि ये माइनस की टर्म है, हम इसको खत्म करना चाहते हैं, तो इसको सारे को उठाकर इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस का हो जाएगा, माइनस उधर ये प्लस का था उधर जाके ये माइनस का 25x हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस का 54 हो जाएगा, साथ में ये प्लस का 210 आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, अब हम एक्स स्क्वेयर माइनस 25x प्लस माइनस माइनस 210 में से 54 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 156 इक्वल टू 0। तो अब ये क्वाड्रेटिक बन गई है, तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू हमारे पास माइनस का 25 है और सी की वैल्यू है 156। तो अब इसके रूट्स निकाल लेते हैं, रूट्स हो जाएंगे हमारे पास रूट्स निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है, रूट्स निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव रूट ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 25, तो माइनस माइनस का 25 पॉजिटिव नेगेटिव रूट ऑफ बी का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर करेंगे तो हमें पता है 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 सी की वैल्यू है 156 डिवाइडेड बाय 2। माइनस माइनस प्लस का 25 हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव रूट ऑफ 625 माइनस करेंगे इसमें से 156 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा हमारे पास 624 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया 25 पॉजिटिव नेगेटिव, 625 में से 624 माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया 25 पॉजिटिव नेगेटिव रूट ऑफ का 1 का रूट तो 1 ही आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब हमारे पास एक प्लस करके आएगी वैल्यू, एक आएगी माइनस करके, तो प्लस जब हम करेंगे 25 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आ जाएगा 26 बाय 2 विच मीन्स 13, और जब माइनस करके निकालेंगे 25 माइनस 1 बाय 2 तो ये आ जाएगा 24 बाय 2 विच मीन्स की 12। तो या तो उसे, तो ये क्या है, ये आई है हमारी x की वैल्यू, x या तो 13 हो सकता है या फिर 12 हो सकता है। तो ये हमारे मार्क्स आ गए 13, या तो हमारा एक्स जो होगा मैथ्स में, उसको मैथ्स में अगर उसको 13 मिले तो उसे इंग्लिश में मिले होंगे, तो उसे इंग्लिश में मिलेंगे, इसे 30 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 या आ जाएगा 17, अगर उसे मैथ्स में 12 मिले तो उसको इंग्लिश में मिले होंगे, उसे इंग्लिश में 18 मिले होंगे। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो उसके 13 और 17 का पेयर बनेगा या 12 और 18 का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।